दोस्तों, आज की सेकंड वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम आम पर जब एयर लेयरिंग करते हैं वो किस प्रकार से सक्सेसफुल होती है, वो भी आपको बताएंगे। और आपकी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल नहीं होती है वो भी हम बताएंगे कि आप अपनी एयर लेयरिंग को कैसे सक्सेसफुल कर पाते हो। तो दोस्तों, हमारे पास जो आम का पेड़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हमने जो एयर लेयरिंग किया है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों, किन कारणों से हमारी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है और एयर लेयरिंग करने का भी तरीका आपको बताएं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं हमारे आम के पेड़ के पास और वहाँ पर आपको बताते हैं हमारी एयर लेयरिंग किस प्रकार से सक्सेसफुल हो पाई है, किस प्रकार से वो पौधा बनकर तैयार हुआ है वो भी बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो चलते हैं हमारे आम के पेड़ के पास। तो दोस्तों, ये हमारा आम का पेड़ है और इस आम के पेड़ पर हमने एक शाखा पर एयर लेयरिंग किया था, वो सक्सेसफुल हो पाया है। तो चलो दोस्तों, आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमने एयर लेयरिंग किया था। दोस्तों, एयर लेयरिंग अगर आपका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, यानी कि जड़ें नहीं ले पा रहा है, तो दोस्तों इसके कुछ कारण होते हैं जिसके कारण आपका एयर लेयरिंग जड़ें नहीं ले पाता है। पहले तो दोस्तों, अगर आप ऐसी मिट्टी लगाते हो तो दोस्तों उसको बार बार चेक करना है कि मिट्टी अंदर से सूख तो नहीं गई है। अगर सूख जाती है तो एक इंजेक्शन या सुई की मदद से आप उसके अंदर पानी डाल सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, जब आप एयर लेयरिंग के लिए कौन सी शाखा लेना पसंद करते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एयर लेयरिंग करने के लिए कम से कम आप इतनी मोटी शाखा ले, यहाँ पर आप देख सकते हो, इससे बारीक शाखा लेते हो तो आपकी एयर लेयरिंग जड़े नहीं ले पाती है। तो दोस्तों, आप इतनी ही मोटी शाखा ले जिससे आपकी एयर लेयरिंग जल्दी से ग्रो होए और जल्दी से जड़े लेकर पौधा बन जाए। दोस्तों, एयर लेयरिंग को तैयार होने में कम से कम 2 महीने का समय भी लग सकता है। जैसे कि हमारी एयर लेयरिंग तैयार हो चुकी है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जड़े लेना स्टार्ट कर दिया है और मैं इसको भी काटूंगा क्योंकि काफ़ी सारी जड़े इसने अंदर से ले ली है। तो यहाँ पर जो ये जड़े बाहर निकल रही है आपको यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों, इस हिस्से को यहाँ से नहीं काटेंगे हम, इससे थोड़ा पीछे काटेंगे ताकि हमारी जो अंदर की जड़ें हैं वो हिल नहीं पाएगी। और जब इसको हम किसी गमले में लगाएंगे तो इसको यहाँ से काट कर फिर गमले में लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर अब अच्छे से आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखो कितनी अच्छी जड़ें ले ली है इसने। और अब इसको यहाँ से काट लेते हैं, काटने के बाद फिर इसको किसी गमले में लगाएंगे। तो इसको काट लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मैंने एयर लेयरिंग काट लिया है। अब आप यहाँ पर देखो कितना बड़ा पेड़ यहाँ पर बन गया, हमारा आम का तैयार हो चुका है। और अब आपको यहाँ पर जड़े भी बताता हूँ दोबारा से। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर जड़े ले लिया है। और अब इस पेड़ को हम किसी गमले में लगाते हैं। दोस्तों, एयर लेयरिंग से कम समय में आप बड़ा पौधा तैयार कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही पेड़ों से रिलेटेड बातें लाते रहते हैं हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी पेड़ के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।